नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola G31 versus Xiaomi Redmi 10A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Moto G31 में 6.35 इंच जबकि Redmi 10A में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Moto G31 में 2.94 इंच जबकि Redmi 10A में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Moto G31 में 0.33 इंच जबकि Redmi 10A में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Moto G31 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Moto G31 में 180 ग्राम्स जबकि Redmi 10A में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Moto G31 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Moto G31 में AMOLED जबकि Redmi 10A में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Moto G31 में 6.4 इंचेस जबकि Redmi 10A में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto G31 में 1080x2400 और Redmi 10A में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Moto G31 में 82.24% जबकि Redmi 10A में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Moto G31 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10A में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Moto G31 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10A की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Moto G31 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10A की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Moto G31 में Mali-G52MC2 जबकि Redmi 10A में Powerwer-GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Moto G31 में MediaTek Helio G85 और Redmi 10A में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Moto G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Moto G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Moto G31 में अप टू 1TB जबकि Redmi 10A में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Moto G31 में 2 कलर्स जबकि Redmi 10A में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Moto G31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi 10A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8,499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला G31 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10A की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Moto G31 आगे है, मेन कैमरा में Moto G31 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Moto G31 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Samsung Galaxy M31 Prime है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Power है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G30 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।